What's going on, you people? Once again, welcome back to your channel, Hrithik Sharma. Guys, आज हम बात करने वाले हैं post workout nutrition के बारे में कि workout करने के बाद आपको क्या चीजें खानी चाहिए. तो गाइज, मेरी लास्ट वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि पोस्ट वर्कआउट हमें क्या चीजें खानी चाहिए, जो कि क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा था. तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए. तो गाइज, सबसे पहले NCBI, जो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड साइट है न्यूट्रिशन एक्सरसाइज के बारे में, वहां पर आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा. तो उसमें बताया हुआ था कि पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में. अगर आप एक्सरसाइज करके आते हैं और अगर आप सही तरह से अपने जो स्टोर्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, जो प्रोटीन ब्रेकडाउन है, उसको रिप्लेनिश नहीं करेंगे, उसको रिपेयर नहीं करेंगे, तो इट कैन मेक और ब्रेक योर फिजीक. तो गाइस, पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर आपने इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ना है कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है, एनाबॉलिक विंडो क्या होती है पोस्ट वर्कआउट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वो आर्टिकल खुद भी पढ़ सकते हैं. तो अब जब आपको पता है कि पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम डायरेक्टली बात करेंगे कि आपको पोस्ट वर्कआउट क्या खाना चाहिए. तो यहां पर दो तरह के डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं. फर्स्टली, जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, और सेकेंडली, जो लोग गेनिंग करना चाहते हैं. तो पहले हम बात करेंगे कि जो लोग गेन करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पोस्ट वर्कआउट डाइट में आपने फैट्स या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का मेन फंक्शन ही ये है कि आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं उनको रिप्लेनिश करना और आपके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना. तो यहां पर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए जो जल्दी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो, डाइजेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, और आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश कर सके वो न्यूट्रिशन. और सेकेंडली, आपने इस तरह का प्रोटीन लेना है जिसकी अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी जो प्रोटीन सोर्सेज की होती है, वो हाई हो. तो यहां पर दो सोर्सेज आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए वे प्रोटीन शेक, और सेकेंडली, 6 एग वाइट्स. एग वाइट्स की बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है. तो जो लोग गेनिंग करना चाहते हैं, वो लोग सिंपली 2 से 3 केले और उसके साथ में 1 वे प्रोटीन शेक, अगर आपके पास सप्लीमेंट है. अगर आपके पास नहीं है, तो उसकी जगह पर 6 एग वाइट्स खा सकते हैं. तो जो लोग वेजिटेरियन है, वो सिंपली वे प्रोटीन शेक और उसके साथ में 2 से 3 बनाना आप खा सकते हैं. अगर आपके पास वे प्रोटीन शेक नहीं है, तो आप यहां पर स्प्राउट्स को ऐड कर सकते हैं. लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्प्राउट्स अगर आप ऐड कर रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी आएंगे, तो उसको अपने गोल के हिसाब से एडजस्ट कर लें. तो अब सेकेंडली बात करते हैं जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं. तो गाइस, फैट लॉस और मसल गेनिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में, क्योंकि फैट लॉस के लिए भी आपको पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी हाई हो, लेकिन उसके साथ में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आप थोड़े से कम कर सकते हैं. तो इसीलिए फैट लॉस के लिए एक बेसिक आइडिया जो सही रहेगा, वो रहेगा कि आप 2 की जगह 1 बनाना खाएं, या आप हाफ बनाना खा सकते हैं, और उसके साथ में सेम तरह से वे प्रोटीन शेक या फिर 4 से 5 एग वाइट्स. अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आपके पास वे प्रोटीन शेक भी नहीं है, तो उसकी जगह पर आप स्प्राउट्स के साथ 1 बनाना डेफिनेटली खा सकते हैं. तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक सिंपल आइडिया देने की कोशिश की है. आपने कोशिश ये करनी है कि आपने पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेने की कोशिश करें, उसके साथ में एक ऐसा प्रोटीन का सोर्स जिसकी बायो अवेलेबिलिटी हाई हो. तो यही आंसर था पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का. आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा. तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. सी यू अगेन.